हेलो दोस्तों, ये एक सर्कल का क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें एक सर्कल दिया हुआ है और इसके अंदर एक ट्रायंगल भी बना हुआ है। कई सारे ट्रायंगल आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पर एंगल जो है एंगल ए ओ सी दिया हुआ है 110 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर ए ओ सी यहाँ पर 110 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें फाइंड क्या क्या करना है दोस्तों। यहाँ पर फाइंड हमें करना है, पहला है एंगल ए डी सी। देखिए, इसे मैं एक नंबर दे देता हूँ, यहाँ पर ए डी सी एक नंबर। ठीक है, और दूसरा हमें फाइंड करना है एंगल ए बी सी। ए बी सी देखिए कहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर, इसे मैं दो नंबर दे देता हूँ। अब तीसरा मुझे फाइंड आउट करना है एंगल ओ ए सी। ठीक है, देखिए इसे मैं तीन नंबर दे देता हूँ। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम एंगल, जो पहला क्वेश्चन है एंगल ए डी सी निकालने का, इसे निकालने की कोशिश करते हैं। एंगल ए डी सी क्या होगा दोस्तों, एंगल ए डी सी होगा हाफ ऑफ एंगल ए ओ सी, क्योंकि जो सेगमेंट में जो एंगल बनता है सेंटर से आधा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 110 डिग्री है तो उसका आधा हो जाएगा। ठीक है, यानी 1/2 एंगल ए डी सी क्या होगा, ए डी सी 1/2 इंटू एंगल ए ओ सी, यानी कि 110 डिग्री, यानी कि इसे आधा करेगा तो 55 डिग्री आ जाएगा। यानी पहला एंगल जो था, मेरे पहला जो क्वेश्चन था एंगल ए डी सी, वो 55 डिग्री निकल के आ गया। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं और दूसरे नंबर यानी कि एंगल ए बी सी निकालते हैं। ए बी सी के लिए देखिए दोस्तों, यहाँ पर ए बी सी डी आपको दिख रहा होगा। ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है। ठीक है, और ये एक साइक्लिक रेक्टेंगल इसको बोलते हैं, क्योंकि एक सर्कल के अंदर बना हुआ रेक्टेंगल है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि आमने सामने वाले की एंगल को जोड़ने से 180 डिग्री आती है, यानी कि एंगल ए डी सी प्लस एंगल ए बी सी, ये मिलाकर 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो अब हमें ए डी सी तो पता है, पहले से हमने निकाल लिया है 55 डिग्री, यहाँ इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, प्लस एंगल ए बी सी इक्वल टू 180 डिग्री। अब क्या करेंगे, 55 डिग्री को राइट साइड ले जाएंगे, तो एंगल ए बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 55 डिग्री। तो इस तरह से हमने अपना एंगल ए बी सी जो उसे भी निकाल लिया है, इसे सेपरेट करेंगे तो आएगा 125 डिग्री। ठीक है, तो ये मेरा दूसरा जो क्वेश्चन था उसका भी आंसर निकल के आ गया है। तो अब दो नंबर की जगह मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 125 डिग्री। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 125 डिग्री, मेरा दूसरा आंसर भी निकल के आ गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और तीसरा जो मुझे निकालना है एंगल ओ ए सी। अब यहाँ पर देखेंगे आए बच्चों, तो यहाँ पर ओ ए सी देखिए, या ए ओ सी आप बोल सकते हैं, ये जो ट्रायंगल है ये आइसो स्केलेस ट्रायंगल, जिसमें ओ ए इक्वल टू ओ सी है, क्योंकि ये दोनों ही रेडियस है। देखिए, सेंटर से ही ओ ए बना है और सेंटर से ही ओ सी बना, यानी दोनों साइड जो इक्वल है, और ये एक आइसो स्केलेस ट्रायंगल है, जिसमें क्या हो जाएगा फिर एंगल ए और एंगल सी इक्वल हो जाता है, यानी कि एंगल ओ ए सी इक्वल टू ओ सी ए हो जाता है। ठीक है, इसे लेट हम एक्स मान लेते हैं, दोनों ही एंगल को एक्स मान लेते हैं, इक्वल है। तो अब इस ट्रायंगल की बात करें तो ओ ए सी में, तो ए ओ सी प्लस ओ ए सी प्लस एंगल ओ सी ए इक्वल टू मिलके 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ए ओ सी हम निकाल चुके ऑलरेडी, पहले से दिया हुआ था 110 डिग्री, और इन दोनों की जगह एक्स वैल्यू पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे अभी हम लोग, ये एक्स एक्स मिल के 2x हो गया, और 110 डिग्री को हम लोग उधर लेकर माइनस कर देंगे, तो ये 70 डिग्री होगा। तो यहाँ पर एक्स कितना हो जाएगा, 70/2 यानी कि 35 डिग्री। देखिए, यानी कि एंगल 3 जो था ये 35 डिग्री, दोनों ही 35 डिग्री होगा। इस तरह से हमने अपना सारा एंगल निकाल लिया। ठीक है दोस्तों, ये सर्कल का क्वेश्चन था। ये इस तरह से आपको और भी क्वेश्चन चाहिए तो मुझे कमेंट करके लिखिए, और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू।